रामपुर बघेलान में स्टेज शो करने के लिए आई हुई थी सपना चौधरी। सपना चौधरी कार्यक्रम कर रहे थी, देर रात तक ये कार्यक्रम चल रहा था सतना के रामपुर बघेलान में। अचानक मंच पर ही सपना चौधरी की तबीयत बिगड़ गई और उनको ले जाया गया रीवा के जो संजय गांधी स्मृति अस्पताल है वहां पर आधे घंटे तक सपना चौधरी का इलाज चला। अस्पताल में जब सपना चौधरी पहुंची उसका जो वीडियो बनाया गया वो वीडियो अब वायरल हो रहा है कि अस्पताल में आखिरकार क्यों जाना पड़ा सपना चौधरी को। तो वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपना चौधरी नजर आ रही है, अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए गई थी संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय जैसा मैंने आपको बताया है। अब इलाज कराने वो पहुंची, आधा घंटा उन्होंने वहां बिताया अस्पताल में क्योंकि देर रात्रि पहुंची थी लगभग 2 बजे के बाद। तो उसके बाद इलाज हुआ उनका, क्या कह रहे हैं इस हॉस्पिटल के सीएमओ ये भी सुन लीजिए। हाँ, और रात में आई थी कल 2:30 बजे के बाद, 2:30-3 बजे उनको पेट दर्द में शिकायत थी तो उसके लिए उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है यहाँ से और उनको कुछ जांच एडवाइस किया गया था तो उन्होंने कहा कि उसको वो जाकर दिल्ली में करवाएंगे, उनको रिलीव है तो फिर यहाँ से चली गई। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली पहुँच जाएंगी तो वहाँ पर वो अपनी जाँच करवाएंगी। अब वीडियो वायरल इसलिए हो गया, सपना चौधरी जब रीवा पहुंची देर रात और हॉस्पिटल पहुंच गई तब चर्चा इस बात को लेकर हुई थी आखिर सपना चौधरी को ऐसा क्या हुआ तो उनको देर रात्रि में हॉस्पिटल जाना पड़ा। मंच पर तबीयत बिगड़ी तब उसके बाद हुआ था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अस्पताल में वो पहुंची, सपना चौधरी मशहूर डांसर, काफी लोकप्रिय है, देश में ख्याति है उनकी, लेकिन हाँ डॉक्टर जिस तरीके से बता रहे हैं मामला पेट दर्द से ही जुड़ा हुआ था। अब बाकी उन्होंने कहा कि मैं जांच दिल्ली में कराऊंगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि सपना चौधरी जो है अस्पताल के बाद फिर उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया और उसके बाद अगले दिन वो सड़क मार्ग से खजुराहो होते हुए खजुराहो से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन अब चर्चा का विषय इसलिए बन गया जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।